नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अगर आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टाइट 8 आवर्स बैटरी बैकअप डुअल डायनामिक ड्राइवर के साथ आ रहा है रेड लेमन नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन। इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आप में से किसी के कमेंट को सबसे ऊपर टॉप पे करने वाला हूँ पिन, तो एक लाइक के साथ कॉमेंट भी कर देना। तो बॉक्स ये पे आप देख सकते हैं रेड लेमन डुअल डायनामिक ड्राइवर एक्सप्लोसिव बेस एंड ईयरफोन का पिक्चर ये पे दिया गया है। मॉडल नंबर D100 नेक बैंड वायरलेस स्पोर्ट्स ईयरफोन एंड नीचे यहाँ पे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस साइड पे रेड लेमन एंड पीछे बहुत सारे हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया गया है। MRP मेंशन किया गया है 3999, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 1300 के आसपास। तो बॉक्स भी यहाँ पे दिखने वाला और कुछ भी नहीं है, तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर कंप्लीट ईयरफोन हमें इस पोजीशन में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट दिया गया ये यूजर मैनुअल, बट इंटरेस्टिंग सब आता है यहाँ पे नमस्ते लिखा गया है। नेक्स्ट दिया गया ये छोटा सा माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट दिया गया ये चारों एक्स्ट्रा रबर एयर टिप्स एंड इसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट ये है कंप्लीट ईयरफोन। अब डिजाइन की बात करूं तो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है एंड यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी ग्रीन के साथ ब्लैक का एक अलग तरीका यूनिक कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया गया है। साइड में रेड लेमन का ब्रांडिंग किया गया है एंड सामने की तरफ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे चारों ड्राइवर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोनों ड्राइवर हाईलाइट करके दिखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सा एरिया यहाँ पे दिया गया है। डुअल ड्राइवर यहाँ पे अंदर से दिख रहा है, तो ये दिखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों जो सेक्शन है अलग से डिवाइड किया गया है, लाइक पीछे जो सेक्शन है ये कंप्लीट मेटल है एंड सामने की तरफ प्लास्टिक यूज किया गया है। कोई ग्लास वगैरह यहाँ पे यूज नहीं किया गया, बट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। एंड हेडफोन जहाँ पे वायर के साथ कनेक्टेड है, ये जॉइंट एरिया भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन किया गया है एंड दोनों के पीछे दिया गया स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट, तो अच्छे तरीके से लॉक का सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। अगर आप शोल्डर पे रखते तो गिरने की चांसेस बिल्कुल ही नहीं होगा। एंड इसके नीचे यहाँ पे दिया गया रिबन टाइप रबर फिनिश वायर। नेक्स्ट राइट साइड पे दिया गया ये कंट्रोलर, तीनों बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये सभी के सभी जो बटन है मल्टी फंक्शनल बटन है, यानी कि एक बटन का बहुत सारा काम है। प्लस माइनस कॉल एंड कॉल पिकअप वॉल्यूम अप डाउन एंड नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग सब कुछ इससे आप कर सकते हैं। एंड दूसरे साइड में दिया गया ये रेड लेमन का ब्रांडिंग, कंप्लीट ये बटन जैसा लग रहा है, बट ये कोई बटन नहीं है, जस्ट दिखने में ही ऐसा लग रहा है। एंड इस केबल की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सीबल है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, लिटरली आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कुछ भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं ये कुछ भी पोजीशन में हो ये टूटने का डर आपको ये हेडफोन में नहीं है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो ईयरफोन की हाउसिंग जो है कंप्लीट मेटल है एंड ये टक्कर देने पर भी कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीटली स्ट्रांग मेटल यहाँ पे यूज किया गया है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और अच्छी बात यह कि आपको मेटल होने के बाद भी हेवी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, यानी कि ईयर में से गिरने का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि ये अगर हेवी होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, कान में से बार बार गिर जाता है एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मेटल है, ऊपर से लाइट वेट है। नेक्स्ट वायर भी बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है, लाइन सा पैटर्न फिनिश दिया गया है, ऊपर से ये टैंगल फ्री है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका वायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो केबल दिया गया है इसका शेप आप देख सकते हैं ऑलरेडी शोल्डर की तरह ही दिख रहा है, किसी भी शेप में आप इसको कर दीजिए ये शोल्डर के पोजीशन में ही चला आएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीका क्वालिटी का केबल यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे जो कंट्रोलर दिया गया है ये कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है एंड इसका फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। यहाँ पे एक LED लाइट दिया गया, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते ये LED लाइट टर्न ऑन हो जाता है और यहाँ पे माइक के लिए भी एक होल दिया गया है। एंड अच्छी तरीके बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइंट पोजीशन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे जॉइंट वगैरह किया गया है। अब कंफर्टेबिलिटी बात करूँ तो 24/7 इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा ये लाइट वेट है। ये ईयरफोन की बात करूँ, ईयरफोन हाउसिंग की बात करूँ एंड कंप्लीट कंट्रोलर की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो आपको ऐसा सी नहीं होगा कि आपके शोल्डर पे कुछ है भी या नहीं। अब साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो 6 mm डुअल बेस बूस्ट ड्राइवर इसके अंदर दिया गया है, जिससे बहुत ही बढ़िया तरीका साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है, पावरफुल डायनामिक साउंड एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब बेस की बात करूँ तो बेस इस हेडफोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अगर आप सच में ट्रू बेस लवर हैं तो ये हेडफोन आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी गाना हो उसके अंदर बेस बहुत ही बढ़िया तरीके से ये निकल के देता है। ऑब्वियसली जिस गाने के अंदर थोड़ा सा भी बेस है उसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बेस एक्सपीरियंस इस हेडफोन में मिलने वाला है। ट्रिबल अच्छी तरीका बैलेंस ट्रिबल आपको सुनने को मिल जाएगा एंड वोकल भी आपको क्लियर क्रिस्टल सुनने को
मिल जाएगा। तो ओवरऑल साउंड की बात करूँ तो बहुत ही डायनामिक साउंड, बहुत ही अच्छी तरीके का बेस वाला साउंड अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज के अंदर प्रीमियम लेवल बेस एक्सपीरियंस ये ईयरफोन आपको देने वाला है। अब बैटरी की बात करूँ तो 110 mAh की बैटरी इसके अंदर दिया गया है, जिससे आपको 8 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा एंड इसको चार्ज करने में आपको ओनली 2 hours ही टाइम लगेगा। अब अगर मैं इसको रियलमी एयरबड्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो किसी भी एंगल में ये टक्कर नहीं दे सकता रियलमी एयरबड्स को। वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन इन द मार्केट है रियलमी एयरबड्स, वायरलेस एयरबड्स, बट दोनों पॉइंट में ये टक्कर दे सकते हैं। लाइक प्राइस पॉइंट बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये आपको मिल रहा है। सेकेंड है इसका बेस क्वालिटी, सच में रियलमी वायरलेस एयरबड्स से भी बहुत ही बढ़िया है इसका बेस क्वालिटी। तो अब क्वेश्चन आता है क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ 8 hours बैटरी बैकअप डुअल डायनामिक बेस बूस्ट ड्राइवर के साथ अच्छे तरीके का बजट के अंदर ही आपको मिल रहा है। तो अब इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप इसको खरीदना चाहते आप इसको खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो इस वीडियो को दिल खोल कर दीजिए बड़ा सा लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपके वही शायक मिलता हूँ नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।